Sorry for the little delay. We were caught up somewhere. हमने आज आप सबको तकलीफ इस मद्देनज़र दी है, इस तनाजुर में दी है कि ईद के मौके पे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सर्विसेज ऑफर कर रही है, एक तो उनके बारे में बात करें और आपके ज़रिए से लोगों को ये अशोर करें कि सर्विसेज क्या, और उनसे ये गुजारिश भी करें कि वो उन सर्विसेज को अवेल करें। दूसरा, वाटर की थोड़ी शॉर्टेज है शहर में, उस पर एक दो चीज़ें मैं बताऊँगा, और ऑगमेंटेड सैनिटेशन सर्विसेज पे हम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर साहब भी आपको बताएंगे। बड़ी ईद पे सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स इन द सिटी ऑफ श्रीनगर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन, जितनी सैक्रिफाइसेस होती हैं, प्रॉबली क्लोज टू 1.5 मिलियन सैक्रिफाइसेस, और यू नो लेट्स से 1 मिलियन सैक्रिफाइसेस, क्या उनको, हाउ डू वी इंश्योर दैट द डिस्पोजल इज़ फाइन, सैनिटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारी वाटर बॉडीज़ पोल्यूट नहीं होंगी, सिटी में आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ नहीं होगा, और इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड मैनर एज प्रिस्क्राइब बाई रिलीजियस रिचुअल्स उनका डिस्पोजल भी कैसे होगा। उसके लिए 104 हूपर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू द सिटी ऑफ श्रीनगर, 104 डेडिकेटेड व्हीकल्स टू टेक केयर ऑफ ओफाल एंड हाइड्स ऑफ सैक्रिफाइसल एनिमल्स। दूसरा मसला है पानी का। जो पानी श्रीनगर में इनटेक आता है गांदरबल से, उसमें बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल सीजन एक रिडक्शन अभी आती है, करीबन 25 से 30 क्यूसेक्स पानी रिड्यूस होता है जो गांदरबल से आता है। तो मैंने कल ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट की है कि गांदरबल का जो हाइडल पावर प्लांट है वो कुछ दिनों के लिए शट डाउन किया जाए, ताकि वो जो वाटर की वाटर का आउटफ्लो इनटू श्रीनगर है वो कम से कम 10-15 क्यूसेक वापस बढ़ सके। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को हम अपोज तो नहीं कर सकते, बट वो रेगुलेट ऐसे हों, और मिसयूज ऑफ वाटर रेगुलेट पूरा अलॉन्ग द पेरिफ्री ऑफ द SEC और आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर और इंटीरियर्स ऑफ श्रीनगर भी रेगुलेट हो, ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई दिक्कत ना हो। एक टूरिज्म पॉपुलेशन भी होती है, एक स्टैटिक पॉपुलेशन भी होती है, तो श्रीनगर में इन महीनों द पॉपुलेशन डबल्स अप एंड द रिसोर्सेज आर द सेम, तो पीने की किल्लत, पानी की किल्लत जो है उसको वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट एज वेल बाई आस्किंग द PHE टू रेगुलेट मिसयूज ऑफ वाटर। PHE का एक डिवीजन हमारे पास है, वाटर टैंकर्स हमने शहर में हर एक जगह प्रेस की हैं, पिछले एक हफ्ते से की हैं, और ईद पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे, वेर एवर वी कैन रीच वी विल ट्राई टू रीच। पॉट होल फिक्सिंग अंडर आर स्टेज कॉन्ट्रैक्ट इज हैपनिंग वेर एवर वी थिंक इट नीड्स टू बी डन बिफोर ईद, और बहुत जगह हुई है। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, आप सबसे भी ये गुजारिश रहेगी, लोगों तक ये हमारी इल्तिजा पहुंचाएं कि ये जो सर्विसेज ईद पे स्पेसिफिकली है इनको वो यूज़ करें, हेल्प अस टू कीप श्रीनगर क्लीन ऑन ईद। एक रोस्टर जो है ये अखबार में भी शाया किया गया है, हर एक वार्ड में डेजिग्नेट ड्राइवर्स भी किए गए हैं, व्हीकल नंबर्स भी अखबार में आज शाया हुई हैं, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं जिनको फ़ोन करके लोग अपनी हाइट्स और ओफाल कलेक्ट करवा सकते हैं। ये डोर स्टेप एक डिलीवरी है, 104 व्हीकल्स इसके लिए हमने प्रेस की है, तो गुजारिश रहेगी कि आप भी लोगों को सेंसिटाइज करें कि लोग इनको इस्तेमाल करें। ये 29th को भी अवेलेबल होगी, थर्सडे को, और 30th को भी, फ्राइडे को भी अवेलेबल होगी, दो दिन अवेलेबल होगी, थर्सडे और फ्राइडे को, फॉर कलेक्शन ऑफ हाइड्स एंड सैक्रिफाइसल ओफाल। कमिश्नर साहब भी आपसे इसमें चूज़, बाकी स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव्स एट ऑल मॉस्क्स एट ऑल श्राइन्स इन श्रीनगर सिटी, वो भी हमने की है। कलेक्शन ऑफ पोल्ट्री वेस्ट ईद पे थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें भी वी आर ट्राइंग टू एक्सपेडाइट दैट एंड ऑगमेंट दैट। रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स स्पेशली अराउंड खानकाज एंड मॉस्क्स, उस पर भी एक तवज्जो दी जा रही है कि सारे जो मॉस्क्स हैं, खानका हैं, जहाँ नमाज, जहाँ ज़ायरीन की बहुत एक बड़ी तादाद जाती है, वो प्रॉपरली लिट अप हो। कंट्रोल रूम जो है एस्टैब्लिश, दैट विल ऑल्सो वर्क ऑन एन एस्केलेटेड मोड ड्यूरिंग द डेज इन द रन अप ऑफ द ईद, और ईद के दिन भी वी विल बी हेयर एट वर्क टू इंश्योर के शहर साफ रहे और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच। जैसे मेयर साहब ने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, तो एक तो जो सर्विस हम लोगों ने, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, इसमें किसी को कोई खर्चा, कोई कॉस्ट नहीं होगा।
मेन आइडिया ये है कि एक साल पहले दिस यूज टू बी मेजर इशू, उसके बाद पीपल यूज टू मिक्स दीज हाइट्स विद इधर म्यूनसिपल वेज, पुट देम समवेयर ऑन द रोड. कई बार इनफैक्ट आप में से काफ़ी साथियों ने पिछली बार भी वीडियोज़ भी बनाए थे, कोई कहीं डल में या किसी वाटर बॉडी में स्किन डालते हुए देखा गया था, या इस तरीके का जो एनिमल पफाल निकलता है वो डालते हुए देखा गया था. मेन पर्पज़ यही है कि वो किसी भी सूरत हाल में ऐसा नहीं हो, और जहाँ पे भी वेर एवर वी फाइंड एनी बडी हु इज़ इंडल्जिंग इन पुटिंग अप इधर एनिमल्स और अदर सेक्रीफाइसल ओफॉल आर एनी अदर काइंड ऑफ वेस्ट ऑन पब्लिक इन पब्लिक वाटर बॉडीज इन और इन पब्लिक स्ट्रीट्स और एनी वेयर एल्स एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट देम. ये जिम्मेदारी है, ईद है, खुशी का मौका है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि हम ये रिस्पॉन्सिबली मनाएं और जो हमारे फ़राइज हैं उनको सही तरीके से अंजाम दें. ये सर्विसेज खास तौर पे इस समय जो नोटिफिकेशन हमने इशू की है, इसमें हमने गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर भी शेयर किया हुआ है. ये आज के न्यूज़पेपर्स में भी आपको हाफ पेज में ये था कि कई बार इंसान को या फैमिली को किसी को आइडिया नहीं लगता है गाड़ी कब आने वाली है, कब गई है, तो उस सूरत हाल में वो उस कंसर्न ड्राइवर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमने वार्ड ऑफिसर्स के भी नंबर दे रखे हैं. अगर आपका ड्राइवर आपके एरिया में नहीं आया है तो प्लीज़ हमारी वार्ड टीम के साथ आप जो है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो प्लीज़ हमारा जो यहाँ सेंट्रल कंट्रोल रूम है 24/7 इट इज़ डिप्लॉयड, उसमें IVRS सिस्टम भी है, बाकी पूरा हमारा इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, तो वहाँ पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन केस अगर हमारी सर्विस आप तक नहीं पहुँच पाए. ये बहुत हमारी तरफ से बड़ी एक सिंसियर, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसको किया है, कोशिश की ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहे इसमें, लेकिन लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करने की बड़ी ज़रूरत है और उनको दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. इसके साथ साथ जैसा मेयर साहब ने बाकी चीज़ों का भी जिक्र किया, चाहे वो हमारी स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयर का है, उसमें भी हमने ESL कंपनी है जिसने श्रीनगर में ये स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की हैं, उनका भी एक उनका उनके साथ ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा. पहले हम लोग क्या करते थे, लाइट खरीदते थे, स्ट्रीट लाइट खरीद ली, स्ट्रीट लाइट का कॉस्ट अगर 1,000 रुपये है तो लगाने के बाद उसको 1,000 रुपये मिल जाता था. लेकिन ये जो श्रीनगर में जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं ESL के थ्रू, ये एक सर्विस, इट्स मोर लाइक अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. उसको ESL को स्ट्रीट लाइट्स लगानी है और ये स्ट्रीट लाइट्स उसको अगले 7 साल तक मेंटेन भी करनी है, चलानी भी है. स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो इसी कंपनी की ये जिम्मेदारी है, कहीं मान लीजिए उसमें कोई फॉल्ट आता है उसी कंपनी को ये ठीक करना है, और पेमेंट उनको अगले 7 साल, उन्होंने 1,000 स्ट्रीट लाइटें कहीं पर लगाई तो पेमेंट उनको मिल गई, ये 1,000 स्ट्रीट लाइट्स की पेमेंट उनको 7 साल में ऑन एन NVT बेसिस मिलेगा. हाँ, और उनकी जो सर्विसेज हैं वो हर महीने हमें यहाँ से सर्टिफाई करना होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल विंग को सर्विस करना होता है.